नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर की बैठक। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। दिल्ली में भी बड़ा ब्लैक फंगस का खतरा, लगातार ब्लैक फंगस के आंकड़ों में हो रहा इजाफा, कई अस्पतालों में दिखी मरीजों की भरमार। ग्राउंड जीरो पर काम कर रही आम आदमी पार्टी, राजनेता इमरान हुसैन ने राशन केंद्रों का लिया जायजा, मौके पर कार्डधारियों से भी की बात। और एनएसयूआई ने वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, इंटरनेट और स्मार्टफोन ना होने पर भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसकी जानकारी सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए कुछ बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं, वो भी बाकायदा उन्होंने उसमें लिखा है। फिर चाहे ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में जो सेंटर बनाए हैं गए हैं उसकी भी जानकारी दी गई है, और साथ ही इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की पर्याप्त मात्रा के प्रबंध की बात कही गई है। ये जो बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, वहीं बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए इस पर भी विशेष फोकस रखने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। दिल्ली में ब्लैक फंगस का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। गंगाराम अपोलो से एम्स तक मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार ब्लैक फंगस के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस का कहर बरप रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के एम्स की बात की जाए तो 78 से 80 मरीज और मैक्स अस्पताल में 50 मरीज आ चुके हैं, यानी कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के गिरते आंकड़ों के बीच ब्लैक फंगस का यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि ब्लैक फंगस जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें लोग ब्लैक फंगस के चलते जान गंवा दे रहे हैं। ज्यादा हानिकारक ये ब्लैक फंगस, जिसे माइकोसिस कहते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और साथ ही जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनमें ये ब्लैक फंगस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जा रही है। माइकोसिस नाम से इसे जाना जाता है। हालांकि ये कोई फंगस नया नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना के जो सीरियस पेशेंट थे उन्हें स्टेरॉइड दिया गया, कई डायबिटिक पेशेंट थे जिन्हें दवाइयां दी गई और उसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना ने उनकी इम्यूनिटी पर भी इफेक्ट डाला। क्योंकि सीधे तौर पर ये कोरोना वायरस लोगों की इम्यूनिटी पर प्रभाव छोड़ रहा है और इम्यूनिटी वीक होने के चलते ही लोग कोरोना से तो जंग जीत जा रहे हैं, लेकिन इस फंगस की एंट्री बॉडी के अंदर हो जाती है और उसके बाद ये नाक से होते हुए आंखों के पीछे पहुंचता है, जहां आंखों की नस पर सीधे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी पर खतरा बन जाता है और फिर ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। बेहद खतरनाक ये फंगस है।
लेकिन इस बीच शुरुआती दौर पर अगर इसका पता लगाया जा सके, अगर किसी को इसके सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत उसका इलाज भी किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिंगापुर बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में एक भयानक वायरस फैला हुआ है जिससे बच्चों को काफी खतरा है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह अपील की थी कि सिंगापुर से भारत आने वाली सारी फ्लाइट रद्द कर दी जाए क्योंकि ये वायरस अगर भारत में आ गया तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए, इसलिए हमें भी अलर्ट पे रहने की जरूरत है। कई न्यूज चैनल्स में भी ये बात आई थी, साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहां बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा पड़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही, एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उधर उसको डेथ में नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है, ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे, हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़कर हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे, आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे मां बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है।
इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं, इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में, हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे, और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। वहीं दिल्ली का मौसम नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार दिनभर चले रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान पिछले 70 सालों में सबसे कम 23.8 डिग्री सेल्सियस किसी एक दिन दर्ज किया गया। इससे पहले साल 1951 में यह रिकॉर्ड टूटा था। वहीं दिनभर दिल्ली में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद शाम को 31.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे बादल आमतौर पर मानसून के सीजन में ही देखने को मिलते हैं, जबकि अभी प्री मानसून का दौर चल रहा है। वहीं इस दौर में ऐसी बारिश की बहुत कम संभावना होती है। ऐसे ताऊते तूफान का असर का ही माना जाएगा कि दिल्ली में लगातार बादल बरस रहे हैं। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बच्चों के लिए पर्याप्त आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के इंतजाम करने की जरूरत है। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए परिवार के सभी सदस्य वैक्सीन लगवाएं तो संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी, ये दिल्ली के अलग अलग डॉक्टरों का कहना है। वहीं एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने कहा है कि जो तीसरी लहर है उसमें बच्चों को ज्यादा खतरा है, इसमें इसलिए अलग से बच्चों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कोरोना काल में ग्राउंड जीरो पर जाकर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन ने सभी राशन केंद्रों पर जाकर जायजा लिया, और साथ ही उन्होंने इस मौके पर कार्डधारियों से भी बात की है। बंद दुकानों के राशन डीलरों को फटकार भी लगाई है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक तरफ जहां लोग घर पर हैं, हालांकि राजधानी दिल्ली में अब कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राशन मिलने में जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसी को देखते हुए आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन अलग अलग जगह पर पहुंचे, और इस मौके पर एक तरफ जहां उन्होंने जिन लोगों के राशन कार्ड हैं उनसे बात की, तो दूसरी तरफ उन्होंने राशन डीलरों को फटकार भी लगाई जिनकी दुकानें बंद नजर आई और लोगों को राशन देते नजर नहीं आए। क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना से जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी गहरा रहा है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती नजर आ रही है, और इसी को देखते हुए मुफ्त राशन की व्यवस्था यह ऐलान किया गया। लेकिन कई जगह से शिकायतें मिल रही कि कहीं पर राशन में देने में कालाबाजारी निकल कर सामने आई, तो कहीं पर राशन डीलर दुकानें बंद कर राशन दे ही नहीं रहे थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन आज सड़कों पर निकले तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से राशन डीलर दुकानें बंद किए हुए थे, और साथ ही उन्होंने राशन कार्डधारियों से भी बात की कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो एक तरफ जहां
कोरोना का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ ये आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उन लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं जो डेली वेज वर्कर होते हैं, जो गरीब होते हैं, फिर चाहे वो बात रेडी पटरी वालों की हो, फिर चाहे बात वो अलग अलग तरीके से अपने जीवन यापन करने वालों की हो। तो इसी को लेकर सरकार की तरफ से मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किस तरीके से कालाबाजारी इसमें भी धड़ल्ले से जारी रहती है। इसी को लेकर अब नेता सड़कों पर निकले और सड़कों पर निकलकर जायजा लेते नजर आए। शराबे के बगैर और मतलब रहती तुम अगर बंद रखोगे तो कोई नेशन ही कोरोना के खिलाफ मजबूत हथियार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर 7669883366 है। इसके जरिए से आप सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने बताया है कि यह नंबर 3 तरह से छात्रों की सहायता करेगा। इससे न केवल वैक्सीनेशन के लिए जरूरी दस्तावेज की जानकारी दी जाएगी बल्कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको लेकर भी बताया जाएगा। खास बात यह है कि जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के कोरोना के इलाज में भी उनकी मदद की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हालांकि शुरुआती दौर में राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन को चलाया जा रहा था, ये वैक्सीन ट्रायल चल रही थी, लेकिन अब वैक्सीन की कमी के कारण कहीं ना कहीं परेशानी भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मदद में आगे हाथ बढ़ाया है NSUI ने। NSUI ने बाकायदा एक नंबर जारी किया है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम स्क्रॉल भी करवा रहे हैं। इस नंबर के जरिए से कांटेक्ट करके आप तमाम जानकारी रजिस्ट्रेशन से संबंधित ले सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। नमस्कार।